लास्ट अभी तक अपन ने देखा था वो सरफेस प्रोडक्शन इक्विपमेंट थे, ठीक है, कि सरफेस पे कौन कौन से प्रोडक्शन के लिए इक्विपमेंट लगते हैं। ठीक है, अब स्टार्ट करेंगे कि सब सरफेस में कौन से प्रोडक्शन इक्विपमेंट होते हैं, उनके क्या फंक्शंस होते हैं। ठीक है, जो आपका चोक है वो क्या होता है कि सरफेस पे भी लगा सकते हैं उसको आप, और कभी कभी रिक्वायरमेंट होती है तो आप उसको सब सरफेस यानी कि जो आपका ट्यूबिंग है उसके अंदर भी चोक को प्लेस करते हैं। ठीक है, वो कुछ स्पेशल केसेस होते हैं कि आप सब सरफेस में चोक को कब इंस्टॉल करेंगे, ठीक है, उसके बारे में बाद में बात करेंगे। तो चोक आपका एक ऐसा इक्विपमेंट है जो सब सरफेस में भी लगता है और सरफेस में भी लगता है। ठीक है, तो ये दोनों जो आपका सरफेस प्रोडक्शन इक्विपमेंट है और सब सरफेस प्रोडक्शन इक्विपमेंट है उन दोनों में कंसिडर होता है आपका चोक, या जिसको अपन बोल सकते हैं बीन। ठीक है, अब चोक लगाने का मतलब क्या है या चोक क्यों अपन प्लेस करते हैं। ठीक है, जैसे अपन ने कल क्रिसमस ट्री के वहां देखा था कि जो प्रोडक्शन विंग वॉल था आपका, तो उसके साथ अपन ने क्या किया था, एक चोक प्लेस किया था। ठीक है, जैसे यहाँ पे इस डायग्राम में देखा था अपन ने कि ये आपका प्रोडक्शन विंग वॉल है, देन उसके बाद आपने सरफेस चोक को प्लेस किया है। ठीक है, तो उसमें अपन ने देखा था कि सरफेस चोक लगाने का या उसका फंक्शन क्या था सरफेस चोक का, कि वहां पे फ्लो रेट को रेगुलेट करना या फ्लो रेट को कंट्रोल करना। ठीक है, तो आप देखते हैं कि चोक का प्लेस मतलब क्या है या चोक क्यों यूज करते हैं। प्लेसिंग ए चोक एट द वेल हेड मीन्स फिक्सिंग द वेल हेड प्रेशर। अगर आप चोक कहीं पे प्लेस करते हैं, मतलब आप कहीं पे चोक लगाते हैं, तो इसका मतलब ये है कि जो वेल हेड का कितना प्रेशर रहेगा उसको आप फिक्स कर देते हैं। ठीक है, अब वेल हेड पे प्रेशर किसकी वजह से होगा, जो फ्लूइड आपका प्रोड्यूस होके आ रहा है उसकी वजह से होगा। ठीक है, और अगर अपन ने फ्लो रेट को कंट्रोल कर दिया, तो फ्लो रेट कंट्रोल हुई तो फ्लूइड के फ्लो से ही प्रेशर हो रहा था। अगर फ्लो रेट को कंट्रोल किया है, इट मीन्स क्या हुआ है आपने कि एक तरह से अगर चोक की साइज फिक्स कर दी, फॉर एग्जाम्पल हमने उसका डायामीटर 2 इंच रख दिया, तो उससे एक फिक्स अमाउंट में फ्लो रेट आपका प्रोड्यूस होगा। ठीक है, तो फिक्स्ड अमाउंट में अगर फ्लो रेट प्रोड्यूस हो रहा है तो इसका मतलब क्या है कि उसका जो वेल हेड का प्रेशर है वो भी क्या हो रहा है, एक तरह से फिक्स हो रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि प्लेसिंग ए चोक एट द वेल हेड मीन्स फिक्सिंग द वेल हेड प्रेशर। दस अगर वेल हेड का प्रेशर आपका फिक्स हो रहा है, तो उसकी वजह से क्या होगा, जो बॉटम होल का प्रेशर है वो भी क्या होगा, एंड प्रोडक्शन रेट वो भी क्या हो जाएगी, एक तरह से फिक्स हो जाएगी या कांस्टेंट हो जाएगी। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जब अपन ने देखा था, अपन उसमें देख सकते हैं कि आपका वेल हेड का प्रेशर कहाँ था, तो यहाँ पे इस जो आपका प्रोडक्शन का ये प्रोडक्शन इक्विपमेंट या कंपोनेंट का डायग्राम था, उसमें अपन ने देखा था प्रोडक्शन सिस्टम में, ठीक है, कि आपका जो वेल हेड का प्रेशर कहाँ होगा, यहाँ पे ये आपका वेल हेड है, ये आपका क्रिसमस ट्री है। ठीक है, और ये आपके दोनों विंग वॉल है, और इसके साइड में आपने ये एक चोक लगा रखा है यहाँ पे भी। ठीक है, और जो दूसरा साइड है, दूसरा विंग वॉल है जिसको अपन इंजेक्शन विंग वॉल बोलते हैं, वहां पे भी आपने एक चोक लगा रखा है। ठीक है, अब चोक लगाने का मतलब अपन ने क्या बोला कि इस वेल हेड के प्रेशर को फिक्स करना। ठीक है, तो अपन ने यहाँ पे क्या, यहाँ से फ्लूइड कितना भी आ रहा है, बट यहाँ पे क्या हो रहा है, अपन ने एक जैसे वाटर टैप का अपन ने एग्जाम्पल लिया था कि जितना अपन को फ्लो चाहिए, जितने डायमीटर का अपन वहाँ पे चोक या बीम या उसका डायमीटर रखेंगे, उतनी ही अमाउंट में अपन को वाटर मिलेगा। ठीक है, तो सेम अमाउंट में यहाँ पे क्या होता है कि अगर ये इसका डायमीटर फिक्स कर देते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे जो प्रेशर होगा वो भी फिक्स हो जाएगा। अगर यहाँ पे प्रेशर फिक्स है तो अल्टीमेटली क्या आपका प्रोडक्शन रेट, जो फ्लूड प्रोड्यूस होगा वो भी क्या है, एक पर्टिकुलर अमाउंट में या कॉन्स्टेंट रेट में प्रोड्यूस होगा। ठीक है, और यहाँ पे जो बॉटम होल प्रेशर है वो भी आपका क्या है, एकदम से डिक्लाइन नहीं करेगा या एकदम से इंक्रीज नहीं करेगा, एक कांस्टेंट हो जाएगा या फिक्स हो जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं कि जो आपका चोक है उसके क्या फंक्शंस होते हैं। चोक का फर्स्ट फंक्शन क्या है, वेल हेड चोक्स आर यूज्ड टू लिमिट द प्रोडक्शन रेट्स फॉर रेगुलेशन। ठीक है, अपन को अगर प्रोडक्शन रेट को लिमिट करना है, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अपन लिमिट क्यों करना चाहते हैं, प्रोडक्शन रेट्स को इसलिए करना चाहते हैं कि अगर एक ही बार में अपन ने वेल पे कोई भी चोक प्लेस नहीं किया है, उसका कोई डायमीटर फिक्स नहीं किया है, तो क्या होगा कि आपका फ्लूइड है इनिशियली तो क्या होगा, बहुत ज्यादा अमाउंट में प्रोड्यूस होगा। ठीक है, तो एकदम से ज्यादा अमाउंट में फ्लूइड प्रोड्यूस हो जाएगा। ठीक है, और लेटर स्टेजेस में क्या होगा, जैसे फॉर एग्जाम्पल अपन ऑयल वेल की बात करते हैं, तो ऑयल वेल में अपन ने वो कोक बॉटल का एग्जाम्पल लिया था कि आपका स्प्राइट का बॉटल आप खोलते हैं, तो इनिशियली क्या होता है, आपका फ्लूइड एकदम से बाहर आता है, जो उसके अंदर कंप्रेस्ड गैस होती है वो उस फ्लूइड को बाहर लाती है, कोल्ड ड्रिंक को बाहर लाती है। ठीक है,
तो सेम रिजर्वर के साथ होता है कि इनिशियली और उसके बाद आपका फ्लूइड बाहर नहीं आता है बॉटल से, ठीक है। तो सेम रिजर्वर के साथ होता है, तो अपन ने अगर इनिशियली कोई भी चीज़ में अगर अपन ने फिक्स अमाउंट में नहीं किया, ठीक है, और एकदम से पूरा गैस है वो पहले प्रोड्यूस हो गया, ठीक है, ऑयल आपका उस इनिशियली गैस के साथ कुछ ऑयल भी प्रोड्यूस हो गया, जो गैस थी उसके अंदर कंप्रेस्ड फॉर्म में वो उस लिक्विड को ऊपर लेके आ गई, ठीक है, बट लार्ज अमाउंट में जो आपका ऑयल है वो लेफ्ट आउट रह जाएगा रिजर्वॉयर में, ठीक है। तो अपन क्या करते हैं कि एक कंट्रोल्ड वे में उस ऑयल को प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है, सो देट अपन मैक्सिमम अमाउंट को रिकवर कर सके, ठीक है, और अपना ऑयल जो है वो लेफ्ट आउट नहीं रहे रिजर्वर में या कम अमाउंट में वहां पे रिजर्वर में लेफ्ट रहे, ठीक है। दैट्स वाई अपन क्या करते हैं, प्रोडक्शन रेट्स को लिमिट करते हैं, और उसको लिमिट करने के लिए अपन क्या करते हैं, चोक या बीन लगाते हैं, ठीक है। उसके अलावा प्रोटेक्ट द सरफेस इक्विपमेंट फ्रॉम द स्लगिंग, अगर बहुत ज्यादा अमाउंट में आपका फ्लूइड प्रोड्यूस होगा एकदम से, ठीक है, और बहुत सी बार क्या होता है कि फ्लो रेट इतनी ज्यादा हो सकती है कि आपके जो इक्विपमेंट की कैपेसिटी है उनको एक्सीड कर सकती है, ठीक है, तो जो भी सरफेस के इक्विपमेंट है उनको प्रोटेक्ट करेगी कैसे, क्योंकि अपन ने बोल दिया कि लिमिट में ही आपका प्रोडक्शन रेट आएगा, ठीक है, अगर प्रोडक्शन रेट लिमिट में आएगा तो इक्विपमेंट है उनकी कैपेसिटी को एक्सीड नहीं करेगा और उनको प्रोटेक्ट करेगा, ठीक है। देन है अवॉइड सैंड प्रॉब्लम ड्यू टू हाई ड्रॉ डाउन, ठीक है। सैंड प्रॉब्लम्स क्या होते हैं जनरली, कि जब इनिशियली आपका वेल ड्रिल होता है, ठीक है, तो वेल ड्रिल होता है तो इनिशियली कुछ सैंड ऑयल के साथ क्या होता है, कुछ अमाउंट में अगर वहां पे अनकंसोलिडेटेड फॉर्मेशन है, ठीक है, अनकंसोलिडेटेड फॉर्मेशन यानी कि लूजली बाउंड फॉर्मेशन है आपका, तो वहां पे क्या होती है ऑयल के साथ कुछ अमाउंट में सैंड भी प्रोड्यूस होती है, ठीक है। तो अपन ने बोला कि हाई ड्रॉ डाउन, अब ड्रॉ डाउन आपका क्या होता है जनरली कि यहाँ पे जो रिजर्वर का प्रेशर है पी रिजर्वर का प्रेशर माइनस पी डब्ल्यू एफ जो बॉटम वॉल फ्लोइंग प्रेशर है, इन दोनों का जो प्रेशर डिफरेंस है यहाँ से यहाँ का, ठीक है, उसको बोलते हैं ड्रॉ डाउन, ठीक है। आगे अपन डिटेल में पढ़ेंगे ड्रॉ डाउन क्या होता है और फ्लो रेट क्या होती है, यहाँ पे जो फ्लो आ रहा है उसको क्या बोलते हैं, ठीक है। इनिशियली अभी इतना सा समझो कि एकदम से हाई ड्रॉ डाउन क्रिएट नहीं हो, ठीक है, हाई ड्रॉ डाउन क्रिएट होना मतलब एकदम से यहाँ रिजर्वर का प्रेशर यहाँ पे जो है वो और जो यहाँ पे बॉटम वॉल का प्रेशर है वो, इन दोनों में डिफरेंस एकदम से बहुत ज्यादा क्रिएट नहीं हो, ठीक है। अगर डिफरेंस ज्यादा क्रिएट होगा यानी कि हाई ड्रॉ डाउन होगा तो जो सैंड का प्रोडक्शन है वो इंक्रीज हो सकता है, ठीक है। तो अपन ने क्या बोला कि यहाँ पे अपन ने चोक फिक्स किया तो उसकी वजह से वेलहेड का प्रेशर फिक्स्ड हो गया, उसकी वजह से क्या हुआ अल्टीमेटली आपका जो प्रोडक्शन रेट और उसके अलावा जो बॉटम होल का प्रेशर था वो भी ऑलमोस्ट कांस्टेंट हो रहा था, ठीक है, या फिक्स हो रहा था, तो यहाँ पे पी डब्ल्यू एफ ऑलमोस्ट फिक्स हो जाएगा, तो उसकी वजह से एकदम से हाई ड्रॉ डाउन आपका क्रिएट नहीं होगा, यानी कि प्रेशर डिफरेंस जो रिजर्वर का प्रेशर है और जो बॉटम होल का प्रेशर है उन दोनों का डिफरेंस है वो एकदम से ज्यादा नहीं होगा, ठीक है, और एकदम से ज्यादा नहीं होगा तो उसकी वजह से जो सैंड प्रोड्यूस होती है उसको अपन अवॉइड कर सकते हैं या कम कर सकते हैं, ठीक है, जो कि हाई प्रेशर डिफरेंस की वजह से इंक्रीज हो सकती है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका एंड कंट्रोल द फ्लो रेट टू अवॉइड द वाटर और गैस कोनिंग, ठीक है। अब अपन ने बोला कि कंट्रोल्ड अमाउंट में अपन वेल से प्रोडक्शन ले रहे हैं, ठीक है, कंट्रोल्ड अमाउंट में ले रहे हैं तो क्या होगा कि ये जो वाटर कोनिंग और गैस कोनिंग का प्रॉब्लम है वो नहीं होगा, ठीक है। अब बात करते हैं कि वाटर कोनिंग क्या होता है, यहाँ पे जैसे अपन ने बोला कि ये आपका ऑयल फॉर्मेशन है, ठीक है, इसके ऊपर ये गैस है, ठीक है, और ये आपका वाटर फॉर्मेशन है या एक्वीफर है जिसमें वाटर है, ऐसी रॉक है जिसके अंदर वाटर है, ठीक है। तो यहाँ पे ये ऑयल वेल आपका ड्रिल हो रखा है, ठीक है, अब ये आपने परफोरेशंस बना रखे हैं, ठीक है। अगर आप एकदम से इस फ्लो रेट को क्या करते हैं कि इंक्रीज करते हैं या फिक्स नहीं करते हैं, ठीक है, और ये अनलिमिटेड अमाउंट में प्रोड्यूस हो रहा है तो एकदम से क्या होगा कि जो धीरे धीरे क्या होगा कि ये जो आपका ऑयल के जो यहाँ पे ऑयल था वो प्रोड्यूस हो गया, उसके बाद धीरे धीरे क्या होगा कि ये वाटर क्या होगा धीरे धीरे राइज करेगा ऐसे कोन की शेप में, ठीक है, और ये जो नीचे के परफोरेशन है जहां से पहले क्या हो रहा था ऑयल प्रोड्यूस हो रहा था अब उसमें से क्या हो जाएगा वाटर प्रोड्यूस होने लग जाएगा, और सेम केस होगा गैस के साथ कि गैस भी यहाँ जो ऊपर गैस थी वो भी धीरे धीरे ऊपर के परफोरेशन से जहाँ पे ऑयल प्रोड्यूस होना चाहिए था वहां पे गैस प्रोड्यूस होने लग जाएगी, ठीक है। अगर अपन कंट्रोल्ड वे में या प्रोडक्शन रेट को कंट्रोल नहीं करते हैं, ठीक है, या एक लिमिट नहीं करते हैं प्रोडक्शन रेट को, तब ये केस अकर होगा, ठीक है।
तो ये दोनों केसेस आपके प्रिवेंट कर सकते हैं, गैस कॉनिंग एंड वाटर कॉनिंग को आप प्रिवेंट कर सकते हैं अगर आप प्रोडक्शन रेट को कंट्रोल करते हैं। और प्रोडक्शन रेट को कंट्रोल अपन कैसे कर रहे हैं, एक चोक या बीन फिक्स बीन लगा के, ठीक है। अब देखते हैं कि जो चोक होती है वो आपकी कितने टाइप की होती है। जनरली दो टाइप की आपकी चोक्स होती है, बीन्स होती है, ठीक है, जिसको फर्स्ट टाइप आपका है पॉजिटिव या फिक्स चोक, ठीक है, दूसरा है एडजस्टेबल चोक। अपन नाम से ही देख पा रहे हैं कि पॉजिटिव या फिक्स चोक मतलब क्या है, फिक्स यानी कि उसका डायमीटर आपका फिक्स है। जो आपने टैप लगाया, टैप अपन कंसिडर कर सकते हैं या वॉल कंसिडर कर सकते हैं, मतलब उस चोक में क्या है कि उसका डायमीटर अगर आपने इनिशियली 2 इंच का लगाया है तो वो हमेशा 2 इंच का ही रहेगा। इन फ्यूचर आपको अगर उसका डायमीटर इंक्रीज करना है या डिक्रीज करना है तो आपको उस पूरी चोक को रिप्लेस करना पड़ेगा, ठीक है। एडजस्टेबल चोक का मतलब क्या है कि आपने चोक को प्लेस किया है, ठीक है, अगर इन फ्यूचर आपको उसका डायमीटर रिड्यूस करना है तो आप एडजस्ट करके रिड्यूस कर सकते हैं, ठीक है, या फिर आपको उसका डायमीटर इंक्रीज करना है तो आप उसके जो डायमीटर की ओपनिंग है उसको इंक्रीज कर सकते हैं या एडजस्ट कर सकते हैं जिससे उसका डायमीटर इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। तो ये दो टाइप के बेसिकली चोक्स होते हैं, ठीक है। अब देखते हैं कि फिक्स्ड या पॉजिटिव चोक क्या होती है, ठीक है। फिक्स या पॉजिटिव चौक इज ए रिप्लेसेबल फिक्स डायमेंशन ऑरिफिस, ऑरिफिस यानी कि उसका जो डायमीटर है, थ्रेडेड ऑन इनटू एल शेप हाउसिंग, ये एल शेप की एक हाउसिंग होती है, ठीक है, जिसके ऊपर फिक्स डायमेंशन का ऑरिफिस लगता है, ठीक है, मतलब उसका डायमेंशन फिक्स है जैसे अपन ने पहले बोला था, ठीक है। द एंड कनेक्शन ऑफ द बॉडी में बी फ्लेंज्ड और थ्रेडेड, एंड कनेक्शन यानी कि जहां से ये पाइप से या जो विंग वॉल प्रोडक्शन का है जहां से ये कनेक्ट हो रहा है वो आपका थ्रेडेड कनेक्शन हो सकता है, यानी कि उसके ऊपर थ्रेड्स बने होते हैं वो हो सकता है, या फिर फ्लेंज कनेक्शन हो सकता है जिसमें आप नट एंड बोल्ट्स का यूज करके उसको कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। द ऑरिफिस इज ऑलवेज मेड फ्रॉम द हार्ड मटेरियल, जो ऑरिफिस उसका बना होगा वो हमेशा हार्ड मटेरियल का बना होगा, ठीक है। इट मे बी स्लाइटली राउंडेड एट द एंट्रेंस, मतलब जो इसका एंट्री का पार्ट होगा वहां पे वो स्लाइटली राउंडेड शेप का हो सकता है, ठीक है। उसके अलावा द टोटल लेंथ ऑफ द ऑरिफिस इज यूजली 6 इंच, मतलब जो आपका ऑरिफिस है उसकी लेंथ जनरली कितनी होती है, 6 इंच हो सकती है, बट मिनिमम कितनी हो सकती है, 2 इंच भी हो सकती है, ठीक है। देन बोर साइज यानी कि उसका जो डायमीटर है वो उसकी रेंज कितनी होगी, 1/8 इंच टू 2 इंच इन डायमीटर, मैक्सिमम आपका 2 इंच हो सकता है और 1/8 इंच से स्टार्ट है इसकी इनिशियल रेंज होगी, ठीक है। तो इस रेंज के बीच में ये इसका डायमीटर वेरी करेगा। एंड इसके डायमीटर या इसको एक्सप्रेस कैसे करते हैं, 1/64 इंच, ठीक है, ये 1/64 इंच है, मतलब 1 इंच का, अगर ये 1 इंच बोलते हैं तो उसको 1/64 पार्ट इस उसमें अपन रिप्रेजेंट करते हैं उसके डायमीटर को, ठीक है। अभी अपन बात करेंगे कि ये 1/64 इंच कैसे लिखते हैं अपन, वो न्यूमेरिकल्स में अपन बात करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है आपका एडजस्टेबल चोक, जैसे अपन ने पहले बात किया था कि इसकी जो डायमीटर है वो उसमें अपन चेंज कर सकते हैं विद टाइम, अगर अपन उसको डायमीटर को चेंज करना है यानी कि पूरी चोक को रिप्लेस नहीं करना पड़ेगा, आप उसके डायमीटर की ओपनिंग को इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं अपनी जो भी नीड है या नेसेसिटी है उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। इट अलाउज ग्रेजुअल चेंजेस इन द साइज ऑफ द ओपनिंग, जो इसकी ओपनिंग की साइज है उसमें ये चेंजेस ग्रेजुअली अपन चेंजेस कर सकते हैं अपनी नेसेसिटी या अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, ठीक है। द मोस्ट कॉमन एडजस्टेबल चोक इज द नीडल वॉल, मतलब सबसे कॉमन टाइप की जो एडजस्टेबल चोक आपकी यूज होती है वो नीडल वॉल टाइप की होती है, ठीक है। विच इज कैलिब्रेटेड टू रीड इन इफेक्टिव डायमीटर ओपनिंग, मतलब कि इसका जो इफेक्टिव डायमीटर है उसको अपन कंसिडर करते हैं कि ये इसकी जो ओपनिंग है उसमें सिर्फ और सिर्फ अपन इफेक्टिव डायमीटर को मेजर करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आपका एग्जाम्पल है एडजस्टेबल चोक का, ठीक है। एडजस्टेबल का एक एग्जाम्पल है रोटेटरी पॉजिटिव चोक, ठीक है। ये पॉजिटिव चोक का एग्जाम्पल नहीं है, इसका नाम रोटेटरी पॉजिटिव चोक है, बट ये एग्जाम्पल किसका है, एडजस्टेबल चोक का है, ठीक है। इसमें क्या होता है कि दो डिस्क होती है, दिस चोक इम्प्लाइज टू सर्कुलर डिस्क ऑफ हार्डर मटेरियल
ईच विद ए पेयर ऑफ ओरिफिस। अब इसमें क्या होता है कि दो डिस्क होती है, ठीक है, उसमें क्या होता है सर्कुलर डिस्क होती है और दोनों में डायमीटर के पेयर होते हैं, ऑरिफिस के पेयर होते हैं, ठीक है, मतलब कि अलग अलग साइज के दो ऑरिफिस एक डिस्क में है और दूसरे में भी दो हैं, ठीक है, और ये दोनों आपस में जॉइंड है, ठीक है। अब क्या करते हैं कि वन डिस्क इज फिक्स्ड, एक डिस्क आपकी फिक्स हो गई और दूसरी उसके ऊपर रोटेट कर सकती है, ठीक है। अब क्या होगा, वन डिस्क इज फिक्स्ड इन द वॉल बॉडी व्हाइल द अदर डिस्क कैन रोटेट थ्रू 90 डिग्री टू एक्सपोज ऑल और पार्ट ऑफ द ऑरिफिस फ्लो एरिया, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो आपका, अगर अपन ने बोला कि ये फुली क्लोज पोजिशन में है, क्लोज पोजिशन में है तो मतलब ये जो सॉलिड लाइन में बने हुए हैं वो ऊपर जो आपके एडजस्टेबल चोक है उसके ऑरिफिस हैं, ठीक है, थीके? और जो नीचे है वो डॉटेड लाइन में है, जो फिक्स है आपकी उसके ऑरिफिस है, ये क्लोज पोजिशन में है कि दोनों डायमीटर कॉन्साइड नहीं कर रहे हैं, ठीक है। अगर एक 90 डिग्री पे रोटेट होती है तो वो क्या होगी, दोनों आधे आधे उसके एरिया पे आ जाएंगे, मतलब पार्शियली ओपन हो जाएगी आपकी चोक, ठीक है। अगर फुल्ली ओपन करना है तो दोनों फुल्ली उस पे कॉन्साइड करेंगे तो आपकी चोक है वो फुल्ली ओपन हो जाएगी, ठीक है। तो ये रोटेटरी पॉजिटिव चोक है और एडजस्टेबल चोक का एग्जाम्पल है कि ये वर्क कैसे करती है, कैसे ओपन होती है। जैसे अपन ने बोला था कि एडजस्टेबल चोक में अपन क्या करते हैं, ग्रेजुअल चेंजेस कर सकते हैं उसके डायमीटर में या उसकी ओपनिंग में, ठीक है। तो ये एग्जाम्पल में अपन क्लियर हो, मतलब क्लियरली समझ सकते हैं कि कैसे ओपनिंग को अपन पार्शियली ओपन कर रहे हैं या फिर उसको फुली ओपन कर रहे हैं, ठीक है, जो अपनी रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग। नेक्स्ट है साइजिंग ऑफ चोक, जो आपकी चोक है उसको कैसे फिक्स करते हैं, उसका डायमीटर या उसके अंदर जो फ्लो रेट कितना रहना है या उसका फ्लो है वो कैसे फिक्स करते हैं या उसको साइज कैसे करते हैं, ठीक है। तो साइजिंग ऑफ चोक जनरली क्या होती है, जनरली चोक्स आर साइज एट क्रिटिकल फ्लो। जनरली जो चोक को अपन साइज करते हैं, चाहे वो आपकी सरफेस चोक हो या सब सरफेस चोक हो, उनको जनरली अपन ट्राई करते हैं कि वो क्रिटिकल फ्लो पे उसकी साइज को डिटरमाइन करें, ठीक है। अब देखते हैं कि क्रिटिकल फ्लो क्या होता है, ठीक है, या क्रिटिकल फ्लो के लिए क्या कंडीशंस होती है। क्रिटिकल फ्लो, इट इज ऑलवेज डिजायरेबल टू साइज ए सरफेस चोक इन ए फ्लोइंग वेल सो दैट फ्लो थ्रू इट इज क्रिटिकल एंड सब सरफेस चोक फॉर सब क्रिटिकल फ्लो। सब सरफेस चोक यानी कि आपने सब सरफेस में प्लेस किया है, ट्यूबिंग के अंदर कहीं पे बॉटम हॉल में प्लेस किया है, ठीक है, तो उसको अपन अगर डिजाइन करते हैं तो उसको सब क्रिटिकल फ्लो के लिए डिजाइन करते हैं, ठीक है, और जो आपका सरफेस का चोक है उसको अपन क्रिटिकल फ्लो पे डिजाइन करते हैं, ठीक है, और ये हमेशा जो सरफेस चोक है उसको अपन जो साइज करते हैं वो हमेशा एक फ्लोइंग वेल पे टेस्ट करके उसी पे फिर उसको साइज करते हैं क्रिटिकल फ्लो के लिए, ठीक है। उसको फ्लोइंग वेल पे क्यों करते हैं, सो दैट उसके थ्रू जो भी फ्लो होगा वो क्रिटिकल हो, ठीक है। अब देखते हैं कि जो आपका क्रिटिकल फ्लो कंडीशन है वो क्या होता है, ठीक है। क्रिटिकल फ्लो इम्प्लाइज वेयर चेंज इन डाउनस्ट्रीम प्रेशर डजंट अफेक्ट द फ्लो रेट और द अपस्ट्रीम प्रेशर। अब डाउनस्ट्रीम प्रेशर और अपस्ट्रीम प्रेशर क्या होता है, जनरली अपन बात करते हैं पेट्रोलियम फील्ड में तो अपन बोलते हैं अपन अपस्ट्रीम फील्ड में आते हैं, ठीक है, अपस्ट्रीम सेक्टर में आते हैं, यानी कि एक्सप्लोरेशन एंड प्रोडक्शन का पार्ट, यानी कि ये दोनों पार्ट हैं वो पेट्रोलियम इंजीनियर के हैं। देन मिड स्ट्रीम की बात करते हैं जिसमें ट्रांसपोर्टेशन की बात करते हैं, ठीक है, फिर होता है आपका डाउन स्ट्रीम यानी कि रिफाइनरी का पार्ट होता है, ठीक है। तो इसमें भी क्या होता है कि जो भी सब सरफेस यानी कि बॉटम का प्रेशर है या बॉटम की चीज़ें हैं, जो सब सरफेस की चीजें हैं उनको बोलते हैं अपस्ट्रीम, ठीक है, और जो सरफेस पे चीज है उसको बोलते हैं डाउनस्ट्रीम, ठीक है। तो वेलहेड और क्रिसमस ट्री के बाद के जितने भी कंपोनेंट सरफेस पे लगते हैं उनको बोलते हैं डाउनस्ट्रीम कंपोनेंट्स, ठीक है, और जो आपके वेलहेड के नीचे यानी कि वेल के अंदर जितने भी कंपोनेंट लगते हैं उनको बोलते हैं सब सरफेस के कंपोनेंट्स या फिर अपस्ट्रीम कंपोनेंट्स, ठीक है। तो अब क्रिटिकल फ्लो की बात करते हैं तो उसमें क्या है कि क्रिटिकल फ्लो कंडीशन तब होगी जब चेंज इन डाउनस्ट्रीम प्रेशर यानी कि मैं सरफेस के किसी भी कंपोनेंट के प्रेशर में चेंज करूं तो उसका इफेक्ट बॉटम हॉल के जो भी कंपोनेंट है उन पे नहीं होना चाहिए, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये आपका पूरा प्रोडक्शन सिस्टम है, ठीक है,
तो इसमें यहाँ से लेके यहाँ का जो ये पार्ट है सेपरेटर है ये, और ये आपका इसके सेपरेटर के आगे जितने भी कंपोनेंट लगने वाले हैं वो सारे क्या है, डाउन स्ट्रीम के कंपोनेंट है, और इन पे यहाँ पे जो भी प्रेशर रहेगा वो क्या है आपका डाउन स्ट्रीम प्रेशर, ठीक है। और इसके नीचे यानी वेल बोर के अंदर यहाँ पे जितने भी कंपोनेंट्स है और यहाँ पे जो प्रेशर होगा उसको बोलते हैं अप स्ट्रीम प्रेशर, ठीक है। अब मैं बात कर रही हूँ कि क्रिटिकल फ्लो कंडीशन हम तब ऑप्टेन कर सकते हैं जब यहाँ पे यानी कि अपस्ट्रीम यानी कि डाउन स्ट्रीम यानी यहाँ पे किसी भी कंपोनेंट में अगर मैं प्रेशर में चेंजेस करती हूँ तो उसका जो भी इफेक्ट है वो यहाँ के किसी कंपोनेंट के प्रेशर में नहीं आना चाहिए, ठीक है। तो ये होती है आपकी क्रिटिकल फ्लो कंडीशन कि किसी भी अपस्ट्रीम कंपोनेंट के प्रेशर का चेंजेस हो तो डाउन स्ट्रीम को अफेक्ट ना करे, या फिर डाउन स्ट्रीम के प्रेशर का कोई भी कंपोनेंट है वो अपस्ट्रीम के प्रेशर को या उसकी फ्लो रेट को कोई भी अफेक्ट ना करे, ठीक है, कोई भी इफेक्ट ना हो उसके ऊपर, ठीक है। ये होती है आपकी क्रिटिकल फ्लो कंडीशन। अब क्रिटिकल फ्लो कंडीशन के लिए यूजुअली अपन क्या करते हैं कि जो भी आपका पी अपस्ट्रीम का प्रेशर है अपॉन पी डाउन स्ट्रीम का जो प्रेशर है वो इक्वल टू होना चाहिए 1.8, और जनरली उसको अपन 2 भी कंसिडर कर सकते हैं, ठीक है। तो ये होती है आपकी क्रिटिकल फ्लो की कंडीशन जिसमें अपन बात कर रहे थे कि पी अपस्ट्रीम प्रेशर का अपस्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम प्रेशर का जो रेशियो है वो जनरली 1.8 के इक्वल या फिर जनरली 2 के इक्वल आप उसको कंसिडर कर सकते हैं। इतना अगर मेंटेन करते हैं तो वो आपकी क्रिटिकल फ्लो कंडीशन को इम्प्लाई करता है, ठीक है। अब बात करते हैं क्रिटिकल फ्लो की, या फिर उसको बोलते हैं सोनिक फ्लो, ठीक है। अब सोनिक फ्लो या क्रिटिकल फ्लो कब बोलेंगे, वेलोसिटी ऑफ साउंड इन फ्लूइड इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड फ्लो, ठीक है। अब जो भी आपका फ्लूइड फ्लो हो रहा है उसकी वेलोसिटी, अगर साउंड की वेलोसिटी है फ्लूइड के अंदर साउंड की जो वेलोसिटी है, जो अपन एक्वास्टिक वेव की बात करते हैं, ठीक है, उनकी जो वेलोसिटी फ्लूइड के अंदर है वो इक्वल है अगर वेलोसिटी ऑफ द फ्लूइड फ्लो के, तो वो कंडीशन होती है आपकी सोनिक या क्रिटिकल फ्लो कंडीशन, ठीक है। अब इसके लिए क्या होता है कि जो भी पी आउटलेट का प्रेशर है और पी इनलेट पे जो प्रेशर है, आउटलेट पे प्रेशर कहाँ पे है यानी कि जो आपका डाउन स्ट्रीम पे कंपोनेंट है वो आउटलेट पे है, ऑब्वियसली अगर यहाँ पे देखते हैं अगर इस डायग्राम में, तो यहाँ पे क्या है आपका जो भी फ्लूइड है वो इनलेट कहाँ से हो रहा है, आपके अपस्ट्रीम कंपोनेंट से, ठीक है। तो इनलेट यहाँ से मिल रहा है और इसका आउटलेट कहाँ है आपका डाउन स्ट्रीम में, ठीक है। तो जो भी आपका पी आउटलेट का प्रेशर कितना है अपॉन पी इनलेट का प्रेशर कितना है वो लेस देन होना चाहिए किससे, क्रिटिकल प्रेशर रेशियो से, ठीक है। उससे अगर लेस देन कंडीशन है तब आपका क्रिटिकल या सोनिक फ्लो होगा, ठीक है। अब देखते हैं कि क्रिटिकल प्रेशर रेशियो क्या होता है, वो होता है पी आउटलेट अपॉन पी इनलेट एट कहाँ पे क्रिटिकल कंडीशन पे, वो इक्वल होना चाहिए 2/k+1 इसका पावर k/k-1, ठीक है। जहाँ पे k आपका क्या है स्पेसिफिक हीट रेशियो, जो आपने थर्मोडाइनेमिक्स वगैरह में पढ़ा होगा, k इक्वल्स टू होता है Cp/Cv, ठीक है। और इसका जनरली जो नेचुरल गैस के लिए वैल्यू होता है वो 1.8 होता है, ठीक है। तो ये आपका क्रिटिकल प्रेशर रेशियो होता है और ये सोनिक फ्लो या क्रिटिकल फ्लो होता है। ये आपकी सारी कंडीशन किसके लिए, सरफेस चोक के लिए। और अपन ने क्या बोला कि सरफेस चोक को अपन हमेशा क्रिटिकल फ्लो के लिए डिजाइन करते हैं। अब बात करते हैं कि जो आपका सब सरफेस का फ्लो है यानी कि सब सरफेस चोक है उसको अपन क्या करते हैं, सब क्रिटिकल फ्लो के लिए डिजाइन करते हैं या सब सोनिक फ्लो के लिए डिजाइन करते हैं। अब ये जो आपका सब सोनिक फ्लो है वो कब होगा, व्हेन द वेलोसिटी ऑफ साउंड इन फ्लूइड लेस देन वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड फ्लो, ठीक है। ये कंडीशन अगर होगा देन आपका सब क्रिटिकल फ्लो होगा या सब सोनिक फ्लो होगा, ठीक है। और उसके लिए आपका कंडीशन क्या होगा कि जो आपका पी आउटलेट अपॉन पी इनलेट का रेशियो है वो ग्रेटर देन होना चाहिए क्रिटिकल प्रेशर रेशियो से, ठीक है। और क्रिटिकल प्रेशर रेशियो अभी अपन ने देखा था क्या होता है 2/k+1 इसका पावर k/k-1, ठीक है। ये था आपका कि चोक को साइज कैसे करते हैं, ठीक है। उसके बाद इसका चोक का परफॉर्मेंस कर्व होता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल किसी पाइप में आपने ये चोक लगाया है, ठीक है, ये इसका डायमीटर है, यहाँ पे क्यू फ्लोरेट से कोई भी फ्लूइड आपका आ रहा है, ठीक है,
पी या यहाँ पे आपका इनलेट का प्रेशर या अपस्ट्रीम का प्रेशर होगा, पी टू आपका आउटलेट का प्रेशर या फिर डाउनस्ट्रीम का प्रेशर होगा। ठीक है, अगर इसका ग्राफ बनाते हैं अपन पी टू बाई पी वन, यानी कि अपस्ट्रीम अपॉन डाउनस्ट्रीम प्रेशर का, सॉरी डाउनस्ट्रीम अपॉन अपस्ट्रीम प्रेशर का रेशियो वर्सेस क्यू फ्लो रेट में, ठीक है, तो ये आपका ग्राफ आएगा ऐसा। ठीक है, और इसमें यहाँ यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन आएगी, यानी कि यहाँ तक क्रिटिकल फ्लो हो रहा है। जब ये स्ट्रेट लाइन आपका डेविएट होगी, कांस्टेंट होगी, और ये अगर आपकी डेविएट होगी तब इसको बोलते हैं सब क्रिटिकल फ्लो या सब सोनिक फ्लो। ठीक है, और ये कंडीशन अपन ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि सब सोनिक फ्लो कब होगा या सब क्रिटिकल फ्लो कब होगा, या ठीक है, या फिर आपका सोनिक या फिर क्रिटिकल फ्लो कब होगा। ठीक है, और कौन सी चोक को अपन कौन से फ्लो के लिए डिजाइन करेंगे।